हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज गए हैं और अभी उठने का मन नहीं कर रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, 2 दिन के लिए ऑफिस जाना है और हम हैं अपने गांव में। तो आज शाम का ट्रेन है कोलकाता, पटना टू कोलकाता। तो थोड़ा सा ये सेविंग विंग करवाना है। तो अभी हम आए हुए हैं अपने, छोटा सा खेत है यहाँ पे, सब कुछ सब्जी उब्जी रोपा हुआ है। तो ये सब थोड़ा सा देखने आए थे। अभी जाएंगे, थोड़ी देर में सेविंग विंग करवा लेंगे, फिर पैकिंग करना है, उसके बाद निकल जाएंगे कोलकाता के लिए। तो अभी जल्दी जल्दी पैकिंग करके हम लोग निकल गए बस की ओर। बस में ये गाना सुनते सुनते पहुंच गए हम लोग राजेंद्र नगर टर्मिनल, जहां से कि मेरा ट्रेन था। तो जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे तो देखे एक चमचमाता ट्रेन लगा हुआ है, राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन हम इससे नहीं जाने वाले हैं, क्यों? हमारा ट्रेन रात के 9 बजे है, लेकिन अभी 6 साढ़े 6 बजे और स्टेशन पे पहुंच गए हैं। देख सकते हो, बगल में राजधानी लगा हुआ है। तो मेरा एक दोस्त भी है, वो भी ड्यूटी जा रहा है, लेकिन उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो वो बख्तियारपुर जंक्शन पर मिलेगा। ठीक है, स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। फिर यहाँ पे हमको अपना एक फैन मिल गया यूट्यूब का, जो देखो हाय कर रहा है। उसके बाद हम अपना ट्रेन में बैठ गए मस्त और निकल पड़े हावड़ा के लिए। सुबह जब नींद खुला तो 7 बज चुके थे, ट्रेन 20 मिनट लेट था और हम पहुंच गए हावड़ा। हावड़ा उतरने के बाद हम निकल चले अपने कैब के तरफ, जो कि बुक करके रखे थे। बट आप कभी भी हावड़ा में आओ और आपको भीड़ ना मिले, ये तो हो नहीं सकता है। भाई साहब देख लो सामने कितना भीड़ है, और कैब वाला मेरे को कॉल पे कॉल कर रहा है कि भैया कितने देर लगेंगे। फिर हम अपने कैब पे बैठ के हावड़ा का ये स्टेशन सुंदर सा देखते हुए निकल पड़े हावड़ा ब्रिज से होते हुए अपने ऑफिस के तरफ। फिर हम कोलकाता की पुरानी गलियों से होते हुए पहुँचे न्यू टाउन, और न्यू टाउन के बाद हम पहुँच गए अपने दोस्त के फ्लैट पे, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, ये हॉल है, इधर किचन, ओपन किचन इधर है, और 3 BHK का फ्लैट है, तो ये थोड़ा सा बालकनी दिया है, और ये इधर किचन, और ये रहा मेरा रूम, जो कि विंडो से देख लो क्या मस्त नज़ारा है इधर। हे गाइस, रात में ठीक से सो नहीं पाए थे, एक दोस्त आ गया था तो सीट शेयर करना पड़ गया। अभी जस्ट मैं सोया ही था कि फिर ऑफिस के मेल पे मैसेज आया कि वी हैव टीम लंच एंड टीम डिनर। तो 12:30 बजे से टीम लंच भी है और शाम में 7 से डिनर है, तो हो गया बल्ले बल्ले। अभी 11:30 हो गया है, तो अब जल्दी से रेडी होकर ऑफिस निकलते हैं, क्योंकि 12:30 से ही लंच है। मिलते हैं अभी ऑफिस में। मस्त अभी रेडी होकर निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, कैब बुक कर लिए हैं, तो कैब आ चुका है इधर। कितना नंबर है? J7147। तो कैब आ गया, फिर निकलना है अभी। सामने हमारा कैब आया हुआ है। ये पूरा हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पे हमारा दोस्त का वो फ्लैट था। तो ये पूरा देख लो कितना मस्त एक कॉम्प्लेक्स ही बना हुआ है एक तरीके से पूरा। ये देखो, हम इधर ऑफिस पहुंच गए, टेक्नोपॉलिस बिल्डिंग। तो चलते हैं अब अंदर। यहाँ पे सामने में टी कैफे है, बीच में आने के लिए। ये देखो ऑफिस का व्यू पूरा।
ऑफिस का तो ज़्यादा चीज़ दिखा भी नहीं सकते हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड है। तो बस ये देख लो किस तरह से हम लोगों का टेबल चेयर जो भी है इस तरीके से सीटिंग कैपेसिटी रहता है। ये हम ऑफिस के अंदर थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं। दोपहर का लंच ऑफिस में ही था तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। फिर दोपहर का लंच करने के बाद शाम में निकल गए हम लोग प्रिंसेप घाट घूमने के लिए। तो ये देख लो प्रिंसेप घाट, वहाँ पे बोटिंग वोटिंग होता है, लेकिन हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं था तो ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाए। बस ये थोड़ा सा नज़ारा देखे यहाँ पे, और उसके बाद फिर प्रिंसेप घाट के आसपास थोड़ा सा तो फोटो वोटो खिंचवा लिए हम लोग। प्रिंसेप घाट घूमने के बाद हम लोग चले गए विक्टोरिया पैलेस देखने के लिए। हालांकि रात हो गया था तो विक्टोरिया पैलेस तो बंद हो चुका था, लेकिन हम लोग बाहर से ही वो व्यू देखे। पहले भी जा चुके हैं वहाँ पे घूमने के लिए, बट रात में वहाँ पे थोड़ा सा रुक के रात का थोड़ा सा व्यू देखे, और फिर हम लोग सीधे चले गए वहाँ जहाँ पे हम लोगों का डिनर प्लान था मॉल में। तो ये मॉल के नीचे का कुछ ऐसा है, और हम लोगों का डिनर प्लान था 20th फ्लोर पे, क्योंकि वो उसका टॉप फ्लोर है, और टॉप फ्लोर पे ही हम लोगों ने बुकिंग करा था ओजारा में। तो ये देखो कुछ ऊपर का माहौल, भाई साहब इतनी ठंड हो रही थी वहाँ पे कि मत पूछो। इधर हम लोगों का भी डिनर प्लान्ड है। भाई साहब रात के 11 बज गए, सॉरी 1 बज गए हैं आते आते। अभी अभी मैं आके अपने फ्लैट पे पहुंचा हूँ पार्टी करके।